राजस्थान के राजौर जिले में 9 वर्षीय मासूम छात्र इंद्रजीत मेघवाल की हत्या के विरोध में तथा आए दिन देश व राज्यों में SC ST OBC अल्पसंख्यक बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई वर्गों पर होने वाले अमानवीय अन्याय अत्याचार पर अंकुश लगाए जाने बाबत संयुक्त सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। जन आक्रोश रैली निकालकर उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से बौद्ध SC ST OBC अल्पसंख्यक दुर्ग भिलाई के समस्त सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में जन आक्रोश रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें राजस्थान के राजौर जिले के 9 वर्षीय अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र इंद्रजीत मेघवाल की निजी सरस्वती विद्या भारती स्कूल में रखे मटके से पानी पीने के कारण स्कूल के शिक्षक छैल सिंह राजपूत द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी के विरोध में और ऐसे अधर्मी शिक्षकों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर यह रैली भिलाई से दुर्ग की ओर रवाना हुई, जहां दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई। इसके पूर्व भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें राजस्थान के जितेंद्र मेघवाल नामक युवक की सिर्फ मूछ रखने की वजह से हत्या कर दी गई थी। आज भी देश व राज्यों में बौद्ध SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय जातिवाद का दंश झेल रहे हैं, जो कि सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के राजौर जिले में घटी इस घटना के विरोध में पूरे देश भर में अपना विरोध दर्ज कराने हेतु ऐसी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। रैली के आयोजन को लेकर आयोजनकर्ताओं ने न्यूज टीम को जानकारी दी। राजस्थान के जालौर जिले में जो इंद्रजीत मेघवाल की जो हत्या हुई, उनके अगेंस्ट में, उनके विरोध में जो टीचर जो था छैल सिंह ठाकुर, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस प्रकार से पानी पीने के लिए एक इंसानियत भूल जाया करती है कि मनुवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को बदलने के लिए, उस व्यवस्था को दूर करने के लिए एक जन आंदोलन है। और ये आंदोलन भारत में पूरे राज्यों में समता संगठन और सामाजिक संस्था के माध्यम से चलाया जा रहा है, और जब तक इस प्रकार की व्यवस्था को हम दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिस बाबा साहब ने 75 साल बाबा साहब ने पानी के लिए संघर्ष किया था, उसी पानी के लिए एक शिक्षक ने, एक बच्चे ने पानी पी लिया, उसके लिए उस टीचर ने मार दिया, इसके लिए जन आक्रोश है और उस शिक्षक को फांसी की सजा दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है। ये हमारा यहाँ से जाएंगे सरोद बुजियार से यहाँ आंदोलन प्रारंभ होगा, अपने ग्रुप के अंदर में ग्रीन चौक से ग्रुप भिलाई की रैली आएगी, रैली अरेंद्र जब पास दोनों मिलन होगा और वो उसको कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इंद्रा मेघवाल की जो हत्या हुई है सिर्फ पानी पीने के लिए, हम भी इंसान हैं, वो जिस घड़े से पानी पी सकते हैं हम क्यों नहीं पी सकते। 21वीं सदी में हमको भी वही अधिकार है। और बिल्किस बानो को भी हत्या की जाती है, तो आज इस देश में 21वीं सदी में मेक इन इंडिया की बात करते हैं शासन प्रशासन प्रधानमंत्री जी, तो हम महिलाएँ कहाँ सुरक्षित हैं। तो इसीलिए हम जन आक्रोश रैली के रूप में अपने अन्याय अत्याचार के लिए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसीलिए ये जन आक्रोश रैली का हमने आयोजन किया। मामला ऐसा है कि मैं प्रदर्शन बोलकर कोषाध्यक्ष बौद्ध समाज कोसानगर, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक बच्चे को उनके टीचर ने घड़े से पानी पीते हुए पाया, उस वजह से उन्होंने बच्चे को इतना पिटाई किया कि बच्चे की मौत हो गई है ना। जिस हिसाब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने छुआछूत और भेदभाव की भावना को मिटाने के लिए संविधान बनाया और लोगों का अधिकार दिए, लेकिन आज भी देश के आज़ाद होने के 75 साल होने के बाद भी छुआछूत की जो भावना है देश में विकसित हो रही है, एक बच्चे की जान चली गई, उसी को विरोध में आज बौद्ध समाज गोसानगर और पूरे सामाजिक तमाम भिलाई के संगठनों द्वारा एक विरोध रैली जो आक्रोश रैली निकाली जा रही है बौद्ध समाज गोसानगर से कलेक्टर ऑफिस तक। यह लोगों को जागरूक करने के लिए कि छुआछूत की भावना से दूर रहे और उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो जिन्होंने ये किया। आए दिन ऐसी घटना घटित हो रही है, ऐसी होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाया जाए तथा अपराध करने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए शीघ्र अतिशीघ्र फांसी की सजा मुकर्रर की जाए, ताकि देश व राज्य में बौद्ध SC ST OBC अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस कर सकें। ऐसी मांग भिलाई के सामाजिक संगठनों द्वारा एक स्वर में केंद्र सरकार से की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।